आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। सावन के महीने में आपने ये नारे और जयकारे अक्सर सुने होंगे। भगवान शंकर को मानने वाले सावन का एक विशेष वजह से इंतजार करते हैं और वो है कांवड़ यात्रा। हजारों लाखों की तादाद में लोग यात्रा करते हैं। इस एक महीने में करीब करीब देश के सारे शहर गुलजार दिखाई देते हैं। कांवड़ लिए हुए पैदल चलता एक जत्था कहीं ना कहीं जरूर दिख जाता है। लेकिन क्या आपको इस कांवड़ यात्रा का इतिहास पता है? इस यात्रा का धार्मिक महत्व आखिर क्या है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर आज हम आए हैं इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। कई विद्वानों का मानना है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश में बागपत से की थी, जहां पर उन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। इस अभिषेक के लिए जल गढ़मुक्तेश्वर से लाया गया था। आज इसी गढ़मुक्तेश्वर को ब्रिजघाट के नाम से जानते हैं। कई जगहों पर इस बात का भी जिक्र है कि भगवान राम भी एक कांवड़िए थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भर के भावड़ान में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। ऐसी भी थ्योरीज हैं कि कांवड़ यात्रा अमृत मंथन के समय से ही प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अमृत मंथन से निकला विष पिया था तो उनके शरीर पर इसके कई दुष्प्रभाव भी पड़े थे। रावण, जो उस समय शिव का भक्त या फिर यूं कहें कि सबसे बड़ा भक्त था, उसने नदी से कांवड़ में पानी लाकर उनका अभिषेक किया, जिससे भगवान शिव विष के नकारात्मक प्रभावों से दूर हुए। कांवड़ दरअसल बांस या लकड़ी से बना हुआ एक डंडा होता है, जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरा कलश लटकाया जाता है। लेकिन इस कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है और कितनी तरह की होती है ये कांवड़ यात्रा, आचार्य नंदिता पांडे बताती हैं। तो इस महीने की जो मान्यता है कि शिव जी पे जो जल अभिषेक करते हैं तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आपकी कभी भी कोई परेशानी है या कोई एक प्रण लेता है कि मेरे घर पे ये परेशानी है, इससे मुक्ति मिले, तो वो कांवड़ लेके जाता है। तो कांवड़ कहाँ से लेके जाते हैं? तो वो किसी भी गंगा जल हो या कोई भी पवित्र स्थान हो, चाहे ज्योतिर्लिंग के आसपास नदियां बह रही हो या फिर गंगा जी हो, तो वहां से जल लेकर के वो शिवरात्रि के दिन जाता है। तो कांवड़ का महत्व यही होता है कि वो एक एफर्ट जो भक्त करता है, अपने प्रयास करता है अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए, वो जो श्रद्धा भक्ति उसमें दिखती है। और तो कांवड़ भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे झूला कांवड़। झूला कांवड़ का मतलब होता है कि अगर आप लेके चल रहे हो तो कोई दूसरा जो है आप उसको किसी पेड़ पे या कहीं पे अपने कांवड़ को टांग सकते हो और तब आप विश्राम कर सकते हो। एक होती है खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ का मतलब होता है दो लोग कम से कम रहते हैं और एक जब विश्राम करता है तो दूसरा अपने कंधे पे लेकर के कांवड़ को खड़ा रहता है ताकि वो जमीन में ना हो और वो किसी तरह से खंडित ना हो। और तीसरा होता है जो बोलते हैं डाक कांवड़। डाक कांवड़ में क्या होता है, एक सर्टेन दो तीन दिन रखते हैं, टाइम फ्रेम रखते हैं कि इतने दिन में आप हरिद्वार से जल लेकर के अपने गांव पे या अपने ही जहाँ पे भी आपका शिवलिंग है वहां पे आपने रखना है। तो उसमें 18-20 लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं और उसमें साथ में ट्रक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बीच बीच में विश्राम करते हुए वो आगे जाते हैं और बहुत सारे लोग मिल करके उसको पूरा करते हैं। और एक वो भागम भाग होती है उसमें, क्योंकि टाइम का ड्यूरेशन बहुत कम होता है डाक कांवड़ में। तो ये बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये बहुत प्राचीन मान्यता है। शिव जी का पूजा अर्चना का एक महत्व है कांवड़ का, जो भक्त की भक्ति दिखाता है भगवान भोलेनाथ की तरफ। और भोलेनाथ प्रसन्न होके, क्योंकि सावन का महीना उनको सबसे प्रिय है और इस समय आप कोई भी श्रद्धा पूर्वक केवल सिंपल ओम नमः शिवाय का भी जब जप करते हैं तो भी आपके लिए भगवान प्रसन्न होकर के आपकी इच्छाओं की, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सावन के महीने में शिवालयों में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। पूरे दिन मंदिरों में हर हर महादेव गूंजता है। कुछ कांवड़िए झांकी लगाकर कांवड़ यात्रा करते हैं। कुछ 70 से 250 किलो तक की कांवड़ भी लाते हैं। झांकियों को लाइटों और आर्टिफिशियल फूलों से सजाया जाता है, साथ ही उनमें शिवलिंग बनाया जाता है और बच्चों को शिव बनाकर झांकी तैयार की जाती है। कई शिव भक्त दंडवत कांवड़ भी लाते हैं और इसी कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ नियमों का भी ध्यान रखना होता है, आचार्य नंदिता बताती हैं। कांवड़ यात्रा में देखिए बहुत कठिन नियम होते हैं। एक तो आप अन्न का सेवन नहीं करते, आप नमक का सेवन नहीं करते,
जब आपके कंधे में कांवड़ होता है तो आप बिल्कुल शुद्ध होके आप अपना सवेरे शुद्धिकरण करके और उसके बाद आप अपने कांवड़ को अपने कंधे पे रख करके आप लेकर के चलते हैं। जब कांवड़ आपके कंधे में होता है उस समय आप जल भी ग्रहण नहीं करते। जब आप कांवड़ को झूला लटका देते हैं या फिर कोई दूसरा आपके कांवड़ को अपने कंधे पर उठाता है उस वक्त में आप विश्राम भी कर सकते हैं, आप जल भी पी सकते हैं और फलाहार कर सकते हैं। तो ये नियम बहुत इम्पॉर्टेंट नियम होता है कांवड़ में अगर आप लेके जा रहे हैं। जब आप गंगा जल लेते हैं गंगा जल से पहले आप पूरा स्नान करके अपनी की शुद्धि करके आप नदी में डुबकी लगा के अपनी शुद्धि करके उसके बाद उस कांवड़ में अपना जल भरते हैं और यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं। जनरली बोला जाता है कि एक वस्त्र में यात्रा करनी चाहिए आपको और एक दूसरे को जब आप पूरे कांवड़ यात्रा में जब आप चलते हैं तो कोई किसी का नाम नहीं लेता, वो एक दूसरे को या तो शंभू या भोले या फिर अगर आप बिहार में देवघर की तरफ जाएंगे तो वहां पे तो बोल बम एक दूसरे को करके बहुत जोर जोर से बोल बम बोल करके एक दूसरे को संबोधित करते हैं। तो ये बेसिक एक छोटे नियम है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट नियम है कि कांवड़ को कभी भी जमीन में नहीं रखा जाता और उसको पूरा देखा जाता है कि वो कहीं से खंडित नहीं हो, उसका कोई जल बहुत ज्यादा नीचे नहीं छलके, उसका जल वैसे ही रहे। अगर नीचे छू गया या कुछ हो गया तो वो पूरी आपका जो प्रयास है गंगा नदी से लेकर के अपने गाँव तक का या अपने शिव मंदिर तक का शिवालय तक का तो वो प्रयास फिर आपका खंडित हो जाता है। विश्राम का भी आपका जो समय होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। आप ऐसा नहीं और भोर में सुबह 4 बजे से पहले आप दोबारा अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। तो ये नियम आपके बहुत कड़े होते हैं, इन नियम का आपको पालन करना पड़ता है। अब आप अगर कांवड़ यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखें। साथ ही कांवड़ यात्रा हर क्षेत्र में अलग तरीकों से निकाली जाती है, चाहे मनोकामना हो या फिर श्रद्धा से। कांवड़ यात्रा सावन में एक अलग पॉजिटिविटी ऐड करती है। उम्मीद करता हूँ कि इस ज्ञान ध्यान ने आपको कांवड़ यात्रा के कुछ अनसुने पहलुओं से ज़रूर रूबरू कराया होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com। हम व्हाट्सएप पर भी हैं, नंबर है 9953323303। एक और बार बताता हूँ, 9953323303। आज के ज्ञान ध्यान में साउंड मिक्सिंग की है अमृत रज्जी ने। मेरा नाम है आर्यमन गौतम। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।